जय स्टूडेंट्स, मेरा नाम है अभिमन्यु शर्मा एंड आई एम द फैकल्टी फॉर जीएस एस दून एकेडमी ऑफ डिफेंस। तो आज की हम जो वीडियो बना रहे हैं वो बना रहे हैं इंपॉर्टेंट फ्रीक्वेंटली आस्क क्वेश्चन अबाउट एसएसबी प्रिपरेशन। तो बहुत सारे बच्चों का एक सवाल होता है, जब हम नॉर्मल हम रिटन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो एनडीए है, सीडीएस है, एफकैट और एनी अदर डिफेंस एग्ज़ाम, तो क्या हमें इंटरव्यू या एसएसबी की ट्रेनिंग उसी के साथ साथ करनी चाहिए? क्योंकि आजकल आप ट्रेंड देख रहे होंगे, बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स रिटन के साथ साथ ही एसएसबी की कोचिंग प्रोवाइड करते हैं, तो क्या हमें वो पैकेज लेना चाहिए या नहीं? तो मेरे हिसाब से आपको वो पैकेज लेना चाहिए, क्योंकि रिटन के साथ अगर आप एसएसबी के इंटरव्यू की प्रिपरेशन करोगे तभी आप लास्ट टाइम पे अच्छी तरीके से प्रिपेयर हो पाओगे। एसएसबी के अंदर आप में ऑफिसर लाइक क्वालिटीज़ देखी जाती हैं, जो चार फैक्टर्स में बटी होती हैं, जैसे ऑर्गेनाइजिंग एंड प्लानिंग, सोशल इफेक्टिवनेस, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी और डायनेमिक फैक्टर। तो अगर आप रिटन एग्ज़ाम पास कर लोगे एकदम से आप में वो क्वालिटीज़ पॉलिश नहीं हो पाएंगी, तो पर अगर आप रिटन के साथ साथ ही कंटिन्यूएशन में ये सारी क्वालिटीज़ आप देखते हुए चल रहे हो तो आप लास्ट टाइम पे अच्छी तरीके से प्रिपेयर हो जाओगे। दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जब हम रिटन एग्जामिनेशन के साथ एसएसबी की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो हमें कितना टाइम अलॉट करना चाहिए? देखो, जब आप रिटन एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हो तब आपका मेन फोकस रिटन एग्जाम पे होना चाहिए, पर साइड साइड आप कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ कर सकते हो जिससे बाद में जाके आपकी एसएसबी में मदद हो जाएगी। जैसे आप न्यूज़पेपर रीडिंग करिए, न्यूज़पेपर रीडिंग में अगर आप किसी न्यूज़ को पढ़ रहे हैं तो उसके बारे में एक ओपिनियन बनाना सीखिए, तो उससे आपकी ऑर्गेनाइजिंग स्किल आपकी ठीक ठाक होती जाती हैं। प्लस आप देख सकते हैं कौन से टास्क एसएसबी में कराए जाते हैं और उनके बारे में एक माइंडसेट बना सकते हैं फ्यूचर के लिए। फॉर एग्जांपल, आपके जैसे एसआरटी होता है, डब्ल्यूएटी टेस्ट होता है, टीएटी टेस्ट होता है, तो इन सब टेस्ट में बेसिकली आपको कहानी तो ओरिजिनली बनानी है, पर आपकी राइटिंग स्पीड, आप कैसा लिख रहे हैं, आप कैसा ऑर्गेनाइज़ कर रहे हैं, जो भी आप डेटा लिख रहे हैं शीट पे, वो आप पहले से ही सुधार सकते हैं। तो ये सब स्किल आप पहले से ही करके देखिए। कोशिश करिए जब आप नोट्स बना रहे हैं रिटन एग्ज़ाम के साथ साथ तो वो A4 साइज़ ब्लैंक शीट पे बनाइए, जिससे बाद में जब आपको आगे जाके एसएसबी में स्टोरीज लिखनी है या वैट या एसआरटी लिखनी है तब आपकी राइटिंग स्किल सही हो, लाइन ऊपर नीचे ना हो, तो इससे आपकी आगे जाके बहुत हेल्प होगी। प्लस आप कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं एसएसबी के घर बैठे, तो वो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल, फर्स्ट डे में होता है आपका स्क्रीनिंग टेस्ट, तो उसके लिए आप जैसे आप मैथ्स कर रहे होंगे या रीजनिंग कर रहे होंगे तो ऑफिसर इंटेलिजेंट टेस्ट की रेटिंग की आपकी पहले से ही प्रिपरेशन हो जाएगी। जो दूसरा टेस्ट होगा आपका पीपीडीटी, उसकी आप प्रिपरेशन कर सकते हो और वो टीएटी के साथ उसकी प्रिपरेशन कर सकते हो। कैसे स्टोरीज पे आपको 3 से 4 मिनट में एक प्रॉपर स्टोरी लिखनी है, कैसे आपको उसे ऑर्गेनाइज़ करना है, कैसे स्टार्टिंग में आपको इंट्रोडक्शन देना है, फिर बीच में मेन मटेरियल लिखना है और एक हैप्पी एंडिंग देनी है। उसके बाद फिर आप एसआरटी की प्रिपरेशन, जैसे बहुत कम टाइम होता है हमारे पास, 30 मिनट्स हैं और 60 सिचुएशन है, तो राइटिंग स्पीड आपकी बहुत अच्छी होनी चाहिए उसके लिए, तो इन चीज़ों के लिए आप प्रिपेयर कर सकते हो। फिर जो बहुत सारे बच्चों का क्वेश्चन होता है, इज़ इंग्लिश इंपॉर्टेंट फॉर एसएसबी एग्जामिनेशन? तो अगर आप हिंदी बैकग्राउंड से आपने अपनी 12th करी है या ग्रेजुएशन करी है, उसके बाद आप प्रिपेयर करने जा रहे हो और आप इंग्लिश यूज़ कर रहे हो, तो वो एक बहुत प्लस पॉइंट है। पर अगर आपने इंग्लिश मीडियम से अपनी एजुकेशन कंप्लीट करी है तब आप वहाँ जाके हिंदी यूज़ कर रहे हो, वो थोड़ा नेगेटिव पॉइंट हो जाता है, क्योंकि एक ऑफिसर को एक अलग चीज़ जो बनाती है वो उसकी नॉलेज और इंग्लिश पे कमांड भी बनाती है। तो फ्यूचर में आपको अपने जो सोल्जर्स हैं उन्हें कमांड करना है तो इंग्लिश आपको आनी चाहिए। दूसरा, जब आप कुछ बोल रहे हो और सडनली आप स्टक हो जाते हो, आपको कोई वर्ड आप इंग्लिश में नहीं बोल पा रहे हो, वहाँ आप हिंदी यूज़ कर लो, पर उसी के बाद थोड़ी देर बाद आप दोबारा इंग्लिश में स्विच कर सकते हो। तो यस, इंग्लिश इज़ इम्पॉर्टेंट, तो ये देख के चलना। उसके बाद जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो पूछा जाता है, क्या हमारा कोई फिज़िकल एक्टिविटी से रिलेटेड बैकग्राउंड होना चाहिए, स्पोर्ट्स से रिलेटेड बैकग्राउंड होना चाहिए जीटीओ के लिए, या हमें अलग से प्रिपेयर करना पड़ेगा? तो देखो, वहाँ पर आपकी ऑफिसर लाइक क्वालिटीज़ चेक करी जा रही हैं, ना कि स्पोर्ट्समैनशिप। तो वहाँ पर आपको, भले ही आप स्पोर्ट्स से रिलेटेड नहीं हो पर आप फिज़िकली फिट हो, वो भी आपकी बहुत ज़्यादा मदद कर देगा टास्क को कम्प्लीट करने के लिए। ठीक है, वहाँ देखा जाएगा कैसे आप एक ग्रुप के साथ बिहेव करते हो। कभी भी आप देखना कोई कैंडिडेट होगा जिसने इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल बहुत ज़्यादा एक्सेप्शनल परफॉर्म कर दियो पर तभी भी वो सेलेक्ट नहीं होता, और एक ऐसा कैंडिडेट जिसने मेरे लिए 10 में से 6 या 5, 6, 7 इतने ऑब्स्टिकल करे हो पर उसका ग्रुप डायनेमिज्म अच्छा है, वो भी सेलेक्ट हो जाता है। तो ज़रूरी नहीं है आप बहुत फिजिकली फिट हो, पर हाँ, आप ग्रुप के साथ कैसा परफॉर्म कर रहे हो, आपकी ग्रुप को संभालने की स्किल कैसी है, आपको जो टास्क दिया जा रहा है आप वो कैसे ऑर्गेनाइज़ कर पा रहे हो, और आपकी रीजनिंग एबिलिटी क्या है, ये सब चेक होंगी। पर इसी के साथ साथ जब आप रेगुलर आप पढ़ाई कर रहे हो रिटन की और एसएसबी की, उसके साथ साथ एटलीस्ट आप सुबह के टाइम जॉगिंग चले जाना, थोड़ा पुशअप, क्रंचेस, डिप्स, जो बेसिक एक्सरसाइज है बिना जिम के घर पे हो सकती है, वो सब आप ज़रूर कर लेना, वो आपके आगे जाके बहुत मदद
करेंगी। और अगर आप एक स्पोर्ट्समैन हो, आप कोई ग्रुप स्पोर्ट्स खेलते हो जैसे बैडमिंटन हो गया, फुटबॉल हो गया, तो वो भी आपकी बहुत फ्यूचर में जाके मदद करेगी, क्योंकि आपको एक ग्रुप के साथ बिहेव करना आता है। ठीक है, कैसे ग्रुप को लीड करना है, कैसे ग्रुप के अंदर परफॉर्म करना है, उसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आप अपनी प्रिपरेशन के साथ कर सकते हो वो है लेक्चरेट और ग्रुप डिस्कशन। ये दोनों एक्टिविटीज़ आपकी फ्यूचर में बहुत ज़्यादा मदद करेगी। जैसे हमें सबको अपने बारे में पता होता है, हमें अपने बारे में एक्सप्लेन करना है इंटरव्यूअर को, ठीक है, तो पर अगर आप रेगुलर लेक्चरेट की प्रैक्टिस कर रहे हो या ग्रुप डिस्कशन की प्रैक्टिस कर रहे हो, उससे आपको एक स्पीकिंग एबिलिटी की आदत हो जाती है, आप में कॉन्फिडेंस आता है, आप ग्रुप के आगे कैसे बोल सकते हो। प्लस अगर आप अपने फ्रेंड्स के साथ या फिर किसी जानने वाले के साथ आप इंटरव्यू की प्रैक्टिस करते हो, तो आप एक तरीके से इंटरव्यू में आपकी हिचकिचाहट दूर हो जाती है। अगर आपसे एकदम से कोई क्वेश्चन पूछ रहा है, आप उसका आंसर दे पाते हो। तो ये कुछ एक्टिविटीज़ हैं जो आप अपनी प्रिपरेशन के साथ कर सकते हो। लेक्चरेट में कोशिश करो जो करेंट इवेंट्स हो रही हैं उनसे ही, उन पर ही डिस्कशन ज़्यादा करना। प्लस अगर आप कोई स्टैटिक टॉपिक पर डिस्कशन करना चाह रहे हो, तो आप नेट पर सर्च कर सकते हो कौन से टॉपिक बार बार रिपीट होते हैं आपके SSB में। तो SSB में ऐसा नहीं है बहुत रीसेंट टॉपिक दे देते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा एक टॉपिक रीसेंट होगा, पर आपके लेक्चरेट में बाकी जो तीन टॉपिक होंगे वो जनरल होंगे। जैसे फॉर एग्जांपल इट कैन बी वुमेन एम्पावरमेंट, एजुकेशन सिस्टम इन इंडिया, पॉलिटिक्स इन इंडिया, तो इस टाइप के बेसिक होंगे। और जो इनमें से एक होगा वो करंट से रिलेटेड हो सकता है, जैसे ब्रह्मोस के ऊपर, ये है तो पुराना टॉपिक पर आपको एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ, ब्रह्मोस के ऊपर आ सकता है, न्यूक्लियर डील के ऊपर आ सकता है, तो रफाइल के ऊपर आ सकता है, तो इस टाइप के टॉपिक्स भी आ सकते हैं। प्लस आपको न्यूज़ में, करंट अफेयर्स में बहुत अच्छी तरीके से तैयारी करनी है, क्योंकि आपके एग्ज़ाम के साथ साथ जब आप इंटरव्यू में जाओगे तो आपसे 5 national, 5 international न्यूज़ पूछ सकते हैं। ये एक बहुत ही पेट क्वेश्चन है इंटरव्यूअर का, तो इससे वो आपकी देख सकते हैं आप में नॉलेज लेवल कितना है। प्लस अगर आपने ढंग से नहीं बता पाए किसी ऑप्शन किसी न्यूज़ को, तो उसमें डरना नहीं है, क्योंकि वो आपको एक प्रेशर इन्वायरमेंट में डालना चाहते हैं। पर अगर आपने पहले से इंटरव्यू की तैयारी कर रखी है, तो वहाँ पर आप अंडर प्रेशर नहीं आओगे और आपका बाकी का इंटरव्यू भी अच्छा होगा। नहीं तो कुछ बच्चे क्या करते हैं, जो फर्स्ट टाइम SSB देने जाते हैं, अचानक से अंडर प्रेशर आ जाते हैं और उन्हें लगता है अब मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाएगा क्योंकि मैंने गलती कर दी, और अंडर प्रेशर में आगे भी गलतियाँ करते रहते हैं। तो आपको वो प्रेशर संभालना आना चाहिए, और वो कब संभलेगा, जब आप पहले से ही रिटर्न के साथ इस चीज़ की प्रिपरेशन कर दें। तो अगर आपके और कोई क्वेश्चन है जिनका आप आंसर जानना चाहते हैं, तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा।